आप लोग जो भगवान नाम ले रहे हैं ये कितना मूल्यवान है ये नहीं सोच रहे हैं। भगवान के नाम में और भगवान में कोई भेद नहीं होता 0.1% का भी। गौरांग महाप्रभु कहते हैं कि तुमने नाम के अंदर नामी बैठा है ये फेत नहीं किया, विश्वास नहीं किया, विश्वास, ये मिस्टेक। देखो किसी को एक अंगूठी मिल जाए हीरे की 10 करोड़ की पड़ी हुई, हाँ चमकदार है, अच्छे है, ठीक है, यहां भी रख देगा वहां भी रख देगा, किसी से पूछा कितने की होगी, अरे होगी 400-500 की, कांच है कांच, उसका कोई मूल्य नहीं देखने पर आंकड़ा, प्यार उसका 50-500 रुपए का है बस उसको देखकर। और जो कोई जौहरी आया उसने बताया ये 5 करोड़ की है, 5 करोड़ की, तो मैं करोड़पति हूं। अब उस अंगूठी को देखता है, हाँ 5 करोड़ की है, 5 करोड़ की है। देखो देखने में अंतर हो गया। ऐसे ही जब आप ये विश्वास जितने परसेंट बना लेंगे कि नाम में नामी बैठा है उतना ही रस मिलेगा आपको, रस रस। अरे गंदे गोबर गणेश आपका जो बच्चा है, माँ है, बीबी है, जिसके रोम रोम से बदबू आ रही है, जब माँ अपने उस नाक बहते हुए बच्चे के मुंह पर मुंह रख देती है बाकायदा और उसे खुशबू मिलती है, सोचो केवल भाव अटैचमेंट होने से। तो जब भगवान का आप स्वरूप भगवान के नाम में मान लेंगे तो फिर जब राधे कहेंगे तो रोम रोम खड़ा हो जाएगा इमीडिएटली। तो केवल भगवान नाम लेने में और भगवान के नाम में भगवान बैठा है ये रियलाइज करते हुए नाम लेने में इतना बड़ा अंतर है जैसे रबड़ का गुब्बारा और एटम बम में अंतर होता है। गुब्बारे से किसी को मारो हंस देगा और एक एटम बम फेंक दो 10 लाख 0/100 हो गए। वजन महापुरुष की वाणी में और थ्योरेटिकल मैन पंडित की वाणी में यही अंतर होता है, वजन का अंतर होता है। वे भगवान नाम लेते हैं हृदय से, हम लेते हैं कंठ से, उनको 100% फेट है। भगवान के नाम में भगवान बैठे हैं, हमको या तो 0/100 या तो 1% या 10%, जितना जिसको फेट है महसूस करते हुए उतना रस उसको मिलता है। वास्तविक रस नहीं मिल पा रहा है लापरवाही से। आप लोगों को बहुत बार बताया गया है, कोई मैं नई बात तो नहीं बता रहा हूं कि आपने अभी तक छुपा रखा था ये बात, लेकिन आप भूल जाते हैं। प्रैक्टिकल स्वरूप जब करना होता है, जब कीर्तन करने लगते हैं तो 1000 बार मैंने कहा है पहले श्री कृष्ण को खड़ा करो और उनके नाम में वो बैठे हैं ये विश्वास करो, फिर
भगवान नाम लो। तो पाप धुलेंगे और मन को रस मिलेगा, और जब रस मिलेगा तो धीरे धीरे ये अवस्था आ जाएगी, बिना नाम लिए रहा नहीं जाएगा। जैसे कोई बहुत अधिक शराब पीने का अभ्यस्त हो जाता है, सिगरेट पीने का, चाय पीने का, तो उससे रहा नहीं जाता बिना उसको सेवन किए। ये मेटीरियल गंदी वस्तुओं में अटैचमेंट इतना हो जाता है, और वो तो दिव्य चिन्मय परमानंद स्वरूप है, उसमें कितना वास्तविक रस मिलेगा इसकी कल्पना या इसका निरूपण कोई कर सकता है क्या? तो हम फिर बार बार आप लोगों को ये संकेत कर रहे हैं कि भगवान नाम कीर्तन के पहले दो बात करो, एक तो भगवान का रूप ध्यान। अगर 100 बार रूप ध्यान बनाया और 1 बार बना बहुत है, हिम्मत करो आगे। दूसरी बार जब 100 बार करोगे तो 2 बार होगा, फिर 3 बार होगा, फिर होने लगेगा। पहले करना फिर होना, पहले प्रैक्टिस फिर हैबिट, नेचुरलिटी। तो बार बार आप लोग सोचिए, भगवान के नाम में भगवान बैठे हैं, संसारी नाम में नहीं संसार बैठा। अगर कोई कहे ओ गोबर का गुल्ला खाते हुए कि रसगुल्ला रसगुल्ला का सुख मिल जा, वो नहीं मिलेगा, क्योंकि रसगुल्ला गोबर गुल्ला में व्याप्त नहीं है, उसकी शक्ति उसमें नहीं है, और भगवान के नाम में भगवान व्याप्त है, बैठा है। यही सबसे बड़ी भगवान की कृपा है, वरना एक भी जीव भगवत प्राप्ति न कर पाता। जितने संत हैं सब 0/100 रहते, कोई आधार नहीं था। भगवान 50 बार आवे हमारे सामने, हमारे बगल के कमरे में रहे, हमारे कमरे में बैठे रहे, अरे हमारे हृदय में रहते हैं, क्या लाभ है? कुछ नहीं। अनादिकाल से अब तक अनंत जन्म बीत चुके, 84 लाख में घूमते, सदा हमारे हृदय में भगवान बैठे रहे, लेकिन कोई लाभ नहीं। तो सामने खड़े होंगे तो क्या लाभ होगा? तो हमको रियलाइज करना चाहिए, महसूस करना चाहिए, विश्वास बार 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 अभ्यास करना चाहिए। नाम में भगवान बैठे हैं, अरे ये नाम राधे, ये राधे नाम जो हम ले रहे हैं, ये पूर्णतम पुरुषोत्तम ब्रह्म श्री कृष्ण लेते हैं, ऐसा नाम है ये। जिन श्री कृष्ण का नाम ब्रह्मा विष्णु शंकर लेते हैं, जिन शंकर जी का नाम अनंत जीव लेकर मोक्ष प्राप्त करते हैं, वो नाम है ये। ये फीलिंग होनी चाहिए, लानी चाहिए, इसका अभ्यास कीजिए। तो फिर दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति हो साधना में। भगवान नाम में भगवान बैठे हैं, इस बात को विश्वास में लाओ, अभ्यास करो बार बार, और रूप ध्यान करते हुए संकीर्तन करो। तो फिर आज से कल में अंतर देखो। आपको कल लेंगे जब आप राधे नाम, और आज जो लिया अंतर लगेगा, प्रतिदिन अंतर लगेगा, रस की वृद्धि होगी और अंतःकरण शुद्ध जल्दी होगा। जितना रूप ध्यान परिपक्व होगा,
उतने मिलन की व्याकुलता होगी, आंसू आएंगे, अंतःकरण शुद्ध होगा। और ये अहंकार वगैरह जो माइक दोष है ये समाप्त होंगे। अपने को आप शरीर मान रहे हैं तभी तो अहंकार वगैरह आते हैं। अपने को आत्मा मानिए, भगवान का दास मानिए, दिव्य पर्सनैलिटी मानिए, तो फिर ये सब बीमारी चली जाए अपने आप। गणित में अगर एक गलती हो जाए पहले पहल शुरू शुरू में, हम चार पंचे बीस की जगह 30 लिख दे, तो फिर आगे जितना भी गणित लगाओ सब गलत हो जाएंगे। तो पहली गलती हमारी है, हमने अपने को आत्मा नहीं माना, भगवान का दास नहीं माना, शरीर मान लिया। अब सब गड़बड़ होगी, वो चाहे बृहस्पति का बाप हो, बड़े बुद्धिमान का दादा हो, अब वो गया मरा। अब वो संसारी माँ बाप बेटा स्त्री पति संसारी विषयों के सुख तब इसी को अपनाएगा और 84 लाख में भटकेगा। यही हम लोगों को अब तक मिला। इससे छुटकारा पाना है तो जैसा हमने बताया केवल दो बात, भगवान को सामने खड़ा करो, उनके नाम में वो बैठे हैं, ये विश्वास पैदा करो, फिर भगवान नाम लो, बस इतनी सी तो बात है, इसी का अभ्यास।